Hello friends, once again welcome back to our YouTube channel Our Magical Kitchen. Today I am ready with chocolate cake, soft and spongy chocolate cake recipe. चलिए जल्दी से बनाते हैं इस रेसिपी को. सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे करीबन एक कप मलाई. ये मैंने फ्रेश दूध की मलाई यूज़ किया है, करीबन एक कप लिया मैंने. अब इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर. यहाँ मैंने लिया है 1 कप पाउडर शुगर और इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे. ये रेसिपी काफ़ी आसान है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है वो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होता है. और चॉकलेट केक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनने वाला है, सो कीप वॉचिंग वीडियो. और इसे एक विस्कर की मदद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे. इससे काफ़ी सॉफ्टनेस और प्लफीनेस आती है केक में. अब हम लेंगे एक छलनी और इसमें ऐड करेंगे करीबन 1.5 कप मैदा. मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा 1.5 कप. आप एक मेज़रिंग कटोरी या कप ले लें और उसी से सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करें, यानी कि नापें. और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर. मैंने लिया है 3/4 कप मिल्क पाउडर, यानी कि 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा. और यहाँ लिया है मैंने 1/2 कप चॉकलेट पाउडर. ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में इजीली मिल जाएगा. यहाँ मैंने ऐड किया 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. ये बेकिंग पाउडर है. और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा. और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे. ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिससे कि एयर बबल्स सारे निकल जाते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वेट इंग्रेडिएंट्स आपस में काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है. दिस हेल्प्स टू मेक केक सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. अब हम एक ही डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड मेथड से घुमाते हुए केक को फोल्ड करेंगे. ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है. ध्यान रखें केक हमेशा कट एंड फोल्ड मेथड से फोल्ड रोल आउट करें जिससे कि काफ़ी सॉफ्टनेस एंड प्लफीनेस आएगा केक में. अब यहाँ हम ऐड करेंगे करीबन 4 टेबलस्पून मिल्क टू मेक द कंसिस्टेंसी थिन. और ये देखिए इससे हम कट एंड फोल्ड मेथड की तरफ मूव करते हुए. और यहाँ मैंने लिया है एक विस्कर और इससे हम एक ही डायरेक्शन में देखिए इस तरीके से घुमा रहे हैं. दोस्तों ये प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और देखिए इसमें हमने ऐड किया अब 1 टीस्पून वैनिला एसेंस. वैनिला एसेंस ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस आता है. और ये देखिए दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी. दिस इज़ द कंसिस्टेंसी वी नीड फॉर चॉकलेट स्पॉन्ज केक. एकदम ऑथेंटिक प्योर चॉकलेट केक. यहाँ मैंने लिया है एक केक टिन जो कि है हर्ट शेप का. आप अपने चॉइस का कोई भी शेप ले सकते हैं. और यहाँ मैंने इसमें प्लेस कर दिया बटर पेपर और अब मैं इसे ग्रीस करूँगी ऑयल से. जी हाँ, इससे केक बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर आएगा. अनमोल्ड करते टाइम काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी इससे आपको. और अब ये देखिए जो बैटर हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे. यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर आपको बनाना है सो दैट केक आपका बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने. अब हम इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे जिससे एयर बबल्स रिलीज हो जाए एंड केक बहुत ही अच्छे तरीके से फूले. और यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई. यहाँ मैंने एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है, आप चाहो तो कुकर भी यूज़ कर सकते हो, बट कुछ व्यूवर्स ने कहा था हमें कढ़ाई में दिखाने, इसलिए मैंने दिखाया है. और कढ़ाई को मैंने करीबन 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था. और अब इसे कवर कर देंगे अच्छे तरीके से ताकि जो भी स्टीम है वो बाहर ना निकले. बिल्कुल इस तरीके से. सी दिस इज़ व्हाट वी वांट. और करीबन 40 से 45 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम में बेक करेंगे
और ये देखिए आफ्टर 45 मिनट्स, वाओ ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है केक में। और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ एक स्क्यूअर की मदद से, स्क्यूअर बिल्कुल क्लीन है, इट मींस केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। वाओ व्हाट अ टेम्पटिंग डिश, चॉकलेट स्पॉन्ज केक। चलिए अब इसे अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए बटर पेपर लगाने से काफ़ी इजीली ये अनमोल्ड हो गया और केक बिल्कुल भी इधर उधर चिपकेगा नहीं। आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैदा डस्ट कर लें मोल्ड में। और ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है केक में, लुक एट द टेक्सचर गाइस, हाउ ब्यूटिफुल स्पॉन्जी चॉकलेट केक इज़ रेडी टू ईट। तो गाइस जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें आगे के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।